जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से, 2 सप्ताह पहले तकरीबन मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो बताया था कि अब इसके चार्ट को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि अब इसमें तेज़ी देखने को आने वाली है। तो इसमें देखेंगे पिछले कुछ समय से एक अच्छी तेज़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक तेज़ी जो कि पिछले काफ़ी दिनों से गिरावट में चल रही थी, वो तेज़ी अब आते हुए उसमें दिख रही है, तेज़ी बनते हुए दिख रही है। तो सवाल है कि तेज़ी कहाँ तक जा सकता है और कितने समय तक ये तेज़ी बनी हुई रह सकती है, ताकि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकें। नए लोगों को एंट्री लेने के लिए जो प्लान होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत शुरू से करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन ₹2.95 के पास इसने अपना क्लोजिंग दिया है। कोई मोमेंट उस दिन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था ₹3 के आसपास, तकरीबन ₹3 के आसपास ही क्लोजिंग दे दिया है। पिछले एक सप्ताह में भी कोई मोमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि सेम ही रह गया। जहाँ पर प्राइस ओपन होता है वहीं पर प्राइस क्लोजिंग हो जाता है। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो पिछले एक मंथ में यहाँ पर मोमेंट आपको 3.5% के आसपास होते हुए दिखेगा, क्योंकि जहाँ पर एक मंथ पहले ओपन हुआ था उससे ऊपरी स्तर पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है। और जब ऐसा हो तब इसमें तेजी आता ही आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है निचले स्तर पर बाई हुई, ऊपरी स्तर पर जाकर क्लोजिंग हुई, तो उसमें तेज़ी तो दिखेगी। अब पिछले 6 मंथ की बात करें तो पिछले 6 मंथ में तकरीबन 38% के आसपास से स्टॉक आपको टूटते हुए दिखेगा। ये तो आपको पता है ग्लोब टेक्सटाइल में लंबी अवधि से गिरावट चल रही है, क्योंकि जहाँ पर पिछले 6 मंथ पहले ये स्टॉक था वहाँ से भी काफ़ी नीचे आ गया है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ बनेगा, और जब नीचे की तरफ बनेगा यानी कि ऊपरी स्तर पर लोगों ने बाई किया और निचले स्तर पर बेचा तो लॉस होगा, और जहाँ पर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में लॉस की बात रहेगी वहाँ पर यहाँ इसका रिटर्न नेगेटिव में दिखाएगा। लेकिन अभी जिसमें बताया कि 1 मंथ का रिटर्न इसका पॉजिटिव में आ गया है, तो कुछ दिनों तक ये तेज़ी बरकरार रहेगी। तो 6 मंथ का जो रिटर्न यहाँ पे आपको माइनस में दिखा रहा है, यह भी आपको पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि ये रिटर्न भी ग्रीन में दिखाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को पहले टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से इस कंपनी का हम लोग चार्ट को देखते हैं। चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि तेज़ी और कितने लंबे समय तक बाकी रहेगी। उसके बाद हम लोग इस कंपनी के काम और फंडामेंटल को लेकर बाकी बातें डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी आपके लिए मैंने यहाँ पर 1 साल का चार्ट ओपन किया, और 1 साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का शेयर प्राइस तो लगातार पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो अगस्त 2022 से ही गिरते हुए नीचे आ रहा है। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो इसी लेवल को देख के मैंने बताया था कि यहाँ से प्राइस जो ऊपर उठ रहा है, तो एक ही बार में देखिए इसको ब्रेक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पहले भी इसका सपोर्ट था, और ये इसके लिए अब रजिस्टेंस बन गया है। तो जाहिर सी बात है जब तक ये रजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर कुछ दिनों तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक प्राइस इसके ऊपर निकलने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। तो अभी क्या हो सकता है कि जैसे अभी आप देखेंगे तो अभी ये स्टॉक ₹3 के आसपास कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पर इसके लिए एक रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर कंसोलिडेट करा तो अच्छी बात है, कंसोलिडेशन के बाद किसी भी स्टॉक में तेजी आती है। यदि एक ही वे में इसको ब्रेक कर जाता तो फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, थोड़ा समय देना होगा, समय दीजिएगा। तो जब ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ इस कंपनी का प्राइस ₹4-5 तक आपको इजीली आते हुए दिखेगा, जो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के काम और फंडामेंटल के बदलव समझते हैं कि इसमें और मतलब लंबी अवधि में कितनी तेज़ी आए, कितने दिन बाद तेज़ी आएगी और कितने समय तक के लिए तेज़ी उसमें बनी रहेगी। तो ग्लोब टेक्सटाइल के नाम से तो स्पष्ट है कि कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, टेक्सटाइल से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है। और इसके अलावा देखिए इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो तकरीबन 50 करोड़ के आसपास की कंपनी, हालांकि 50 करोड़ नहीं है लेकिन 45 करोड़ के आसपास है, तो इसको 50 करोड़ अप्रॉक्सीमेट में मानकर चलिए। शेयर प्राइस बुक वैल्यू, जिसका जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से कम है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। अब रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये यहाँ पर जो पॉइंट है ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और जो ROE है वो 10% से अधिक है। यानी कि आपका जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उसमें आपके इन्वेस्टमेंट पर, आपके इक्विटी पर साल भर में ये कंपनी तकरीबन 11% के आसपास आपको रिटर्न जनरेट करके देगी। वहीं पर ROC भी 12% के आसपास है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। यानी कि कुछ ना कुछ कंपनी कमा कर देगी आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में। ये यहाँ पर ज़्यादातर पेनी स्टॉक का जो ROE होता है और ROC माइनस में होता है, यहाँ पर वो बात नहीं, ये प्लस में है। वहीं पर यदि स्टॉक का PE देखेंगे तो PE 7 के आसपास है, यानी कि 10 से कम है। तो जब PE स्टॉक का PE कम होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय माना जाता है। लेकिन अभी इसका चार्ट जो है ब्रेकआउट के करीब ठहरा हुआ है ₹3 के आसपास। इसको ब्रेक करने के लिए ऊपर जाना कि चाहेगा तो ब्रेकआउट पर बाई करने से बचना चाहिए। आपको सिर्फ फंडामेंटल देख के बाई नहीं करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी मायने रखता है। तो इसलिए जो नए व्यक्ति और अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो लोग अभी एवरेजिंग करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, एक बार ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ग्लोबल टेक्सटाइल से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इससे रिलेटेड मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप एम स्टॉक में अपना फ्री डिमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए, जिसमें लगता है 0 ब्रोकरेज, यानी कि ₹1 भी आप कमाएंगे ट्रेडिंग के जरिए, तो ₹1 भी आपका होगा, आपको कोई इसमें चार्ज नहीं देना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।